हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल टॉप 360 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन पीटरसन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस पूरे वीडियो में रॉबिन पीटरसन के लाइफ स्टोरी को शुरू से जानेंगे। भले ही वह जो क्रिकेट जगत से वे संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में आज हम उनके लाइफ स्टोरी को शुरू से बताएंगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ, वनडे डेब्यू, टेस्ट डेब्यू, T20 और उनके पूरे ऑल करियर, क्रिकेट करियर के बारे में इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, उनके बारे में जानें। रॉबिन पीटरसन का जन्म 4 अगस्त 1979 को पोर्ट एलिजाबेथ केप प्रोविंस साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनका पूरा नाम रॉबिन जॉन पीटरसन है। उनके पिता का नाम हरपल पीटरसन है। रॉबिन पीटरसन सबसे पहले 1997 को क्रिकेट की शुरुआत ईस्टर्न प्रोविंस वॉरियर्स के तरफ से किया था। बात करें रॉबिन पीटरसन की वनडे डेब्यू की, तो 25 सितंबर 2002 को इंडिया के खिलाफ उनका पहला वनडे मैच हुआ था। और बात करें उनकी लास्ट वनडे मैच की, तो 11 नवंबर 2013 को पाकिस्तान के खिलाफ उनका लास्ट वनडे मैच हुआ था। बात करें रॉबिन पीटरसन की टेस्ट डेब्यू की, तो 4 मई 2003 को बांग्लादेश के खिलाफ वे अपना टेस्ट डेब्यू किए थे। और बात करें उनके करियर की लास्ट टेस्ट मैच की, तो 12 फरवरी 2014 को वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना लास्ट टेस्ट मैच खेले थे। रॉबिन पीटरसन का T20 डेब्यू की बात करें, तो 24 फरवरी 2006 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका T20 डेब्यू हुआ था। और बात करें उनके लास्ट T20 मैच की, तो 3 मार्च 2013 को पाकिस्तान के खिलाफ उनका लास्ट T20 मैच हुआ था। रॉबिन पीटरसन के घरेलू टीम के बारे में बात करें, तो सन 1997 से 2004 तक वे ईस्टर्न की तरफ से क्रिकेट खेलते रहे। और साल 2004 से 2009 तक वे वॉरियर्स के लिए क्रिकेट खेले। और बात करें 2009 में की, तो कैप कोबर्स के लिए क्रिकेट खेले। और 2012 में वे आईपीएल में मुंबई इंडियंस के तरफ से वे आईपीएल क्रिकेट खेले। बात करें रॉबिन पीटरसन की ऑल करियर फॉर्मेट के बारे में, उनकी टेस्ट, वनडे और फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इस सभी के बारे में बात करें, तो वे रॉबिन पीटरसन अपने करियर में 14 टेस्ट मैच, 77 वनडे मैच और 134 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, जिनमें उनकी रन स्कोर की बात करें, तो टेस्ट में वे 433 रन और ओडीआई में वे 545 रन और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4.504 रन बनाए हैं। बात करें उनकी बैटिंग एवरेज की, तो टेस्ट में 28.86 की उनकी बैटिंग एवरेज है और वनडे में उनकी बैटिंग एवरेज 20.96 का है। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका बैटिंग एवरेज 25.53 का है। और बात करें उनके 115 की, तो वे टेस्ट में 2 बार हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं और वनडे में 1 बार हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वे 6 बार सेंचुरी और 17 बार हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। और बात करें रॉबिन पीटरसन की टॉप स्कोर के बारे में, तो टेस्ट में 84 रन और ओडीआई में 68 और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 123 रन। बात करें उनकी विकेट की, तो टेस्ट में 35 विकेट और वनडे में 70 विकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 573 विकेट लिए हैं। और रॉबिन पीटरसन की बेस्ट बॉलिंग, 5 विकेट वे 33 रन दे कर ले चुके हैं टेस्ट में, और वनडे में वे 12 रन देकर 4 विकेट लिए हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 67 रन देकर वे 6 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों, यह थी रॉबिन पीटरसन की पूरी लाइफ स्टोरी।
तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो लगा होगा। यह वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़े और क्रिकेटर के लाइफ से जुड़ी ऐसे ही से वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब चैनल टॉप क्रिकेट 360 को सब्सक्राइब।